आपको क्या करना होगा यू हैबाउट समथिंग कॉल्ड एज राइट सर्क्यूलर डबल कोन अब आप बोलोगे सर ये डबल कोन क्या है कौन तो हमें पता है राइट right? कौन तो ये रहा हमारा

ये जो लाइन है ऑल राइट दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली योर जनरेटर ऑल राइट और यहां पर हम इस पर्टिकुलर पार्ट part को क्या बोलते हैं आपका डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं ऑलराइट सो दीज आर सम बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू राइट सर्कुलर डबल कोन अब हमें जो मेनली फोकस करना है वो कैसे करना है गाइज सो हियर वॉट अ प्लेन एंड इफ यू कट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ दिस डबल सर्कुलर कोन यहां पर आपको क्या मिलता है यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोनिक्स है सर्कल मिलेगा एलिप्स मिलेगा पैराबोला मिलेगा हाइपरबोला मिलेगा कैसे मिलेगा अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेन के अलोंग इफ यू कट दिस राइट सर्कुलर डबल कोन ओके सो हाउ वी विल गेट अ सर्कल सो वेन द्लेन इंटरसेक्ट प्लेन विच वी आर टेकिंग इफ यू आर इंटरसेक्टिंग अ

आइसक्रीम वाला कौन सबने खाया ना इमेजिन करो वो कौन है आपने उसको बीच में से कट कर दिया तो यार आपके प्लेन पे अगर हम शेप देखें या फिर उस कौन की ऊपर वाली आप लेयर लेयर देखेंगे इट विल बी अ सर्कुलर ओके सो दिस इज हाउ यू कैन गेट अ सर्कल अच्छा अब यहां पर क्या है बेटा एंगल ऑफ जनरेटर विथ द एक्सेस वो ए है और एंगल ऑफ प्लेन विथ द एक्सेस इज बी

एट एंगल विच इज लेस देन 90 90 पे लिया था तो क्या मिल रहा था सर्कल अब हमने क्या कर दिया थोड़ा सा टिल्ट कर दिया बेटा टिल्ट किया तो यहां पर आप जस्ट इमेजिन करो कौन है आपके पास उसको आपने कट किया तो आपको अब एक एलिप्स टाइप का शेप मिलेगा इट विल बी नॉट सर्कुलर इट विल बी अ इलेप्टिकल शेप नाउ ऑलराइट तो यहां पर बेटा हम क्या बोलते हैं कि यहां पर ये जो एंगल है आपका ए जनरेटर एंड दिस इज द एंगल ऑफ द प्लेन विद द विदेस हियर ए बिकम्स लेस देन बी ओके सो फॉर आवर शेप टू बी अ अलिप्टिकल शेप फॉर आवर कोनिक टू बी अ योर एंगल ए शुड बी लेस देन बी और राइट द प्लेन इंटरसेक्ट सच दैट ए इज लेस देन बी देन द रिजल्टिंग कोनिक इज अ

और राइट नेक्स्ट देखते हैं सर पैराबोला right? राइट पैराबोला कैसे आएगा तो यार पैराबोला भी बहुत ईजी है देखो फिर से ले लिया डबल कोन फिर से लिया एक प्लेन और हमने क्या कर दिया यहां पर ए जो है दिस एंगल वी इक्वल टू द एंगल बी दैट मींस क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्सेस है उसके पैरल हमने एक प्लेन कट किया यहाँ पे

ठीक है आप सोच रहे सर ellipse और उसमें क्या डिफरेंस है हा ना हा, उसमें भी हमने ऐसे ही कट किया था एंगल पे इसमें भी एंगल है बट यहां पर हमने क्या किया है पहले ए को लेस देन बी किया था तो सेकंड आप ऐसा सोच सकते हो बेसिकली दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग बट नाउ वी हैव टिल्टेड मोर राइट पहले ए लेस देन बी था अब ए को बी के इक्वल बना दिया तो क्या हो रहा है

चलिए थर्ड कोनिक हो गया हमारा थ्री फिगर आई होप सभी को समझ में आया होगा ओके okay. नेक्स्ट आपका कोनिक है बड़ा हाइपरबोला ठीक है तो हाइपरबोला कैसा होता है सो अगेन यू विल टेक सर्कल यू नो यूर डबल कोन और फिर से तो पहले देखो क्या था फॉर एलिप्स ए वॉज लेस देन बी

ठीक है है ये फिगर दिख रहा है, तो दोनों बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था हमारा एक पार्ट कट हो रहा था एक्सेस का अब हमने अगर एंगल को बहुत ज्यादा ही छोटा कर दिया है विद द एक्सेस सो यू नो इट विल कट बोथ द पार्ट्स एंड यू विल गेट अ फिगर समथिंग काइंड ऑफ लाइक दिस बेटा तो यहां पर आपको इस तरह का शेप मिलता है यू विल गेट टू ब्रांचेस एंड दैट शेप इज कॉल्ड एज योर हाइपरबोला तो हाइपरबोला के केस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा ए जो है एंगल एंगल विद दी दी एक्सिस एंड जनरेटर इट इज ग्रेटर देन बिटवीन द प्लेन एंड दाइट वन द्लेन व्हेन द प्लेन इंटरसेक्ट्स द कोन सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी द रिजल्टेंट इज अ ओपन कर्व नाउ इट्स नॉट अ क्लोज्ड क्लोज कर क्या थे सर्कल और एलिप्स पैराबोला भी ओपन कर्व है और हमारा हाइपरबोला भी एक ओपन कर्व है

ठीक है क्योंकि वर्टेक्स से पास हो रहा है तो कोई सेक्शन नहीं आने वाला आपने जस्ट वर्टेक्स से उसे पास करा दिया है सो इट विल बी अ सिंगल लाइन एंड एंड इफ यू पास इट लाइक दिस ओके सो कैन यू सी हियर यू विल हैव टू इंटरसेक्टिंग लाइन देखो थोड़ा सा और एंगल को यहां पे जस्ट क्या हो रहा था इट इज टचिंग बोथ द कोनिक राइट कोन को जस्ट टच कर रहा था और एंगल को टिल्ट किया तो अब कट भी करेगा और वर्टेक्स से पास हो रहा है तो आपको दिख रहा है दिस इज गोइंग टू बी लाइक वन ऑफ द लाइन एंड दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड लाइन सो हियर यू विल गेट टू इंटरसेक्टिंग ओके सो वॉट इज अ डी जनरेट को इफ द प्लेन पासिस थ्रू द वर्टेक्स द कोनिक विच यू गेट इज अ डी जनरेट कोनिक एंड दीज थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर इट कैन बी अ पॉइंट इट कैन बी अ लाइन और इट कैन बी अ टू इंटरसेक्टिंग लाइन ठीक है दिस इज योर डी जनरेट कोनिक नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ कोनिक ओके सो दिस इज अ जनरल डेफिनेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल दी दिलिप्स पैराबोला हाइपरबोला सभी के लिए ट्रू होता है क्या है सर डेफिनेशन कोनिक इज द लोकस ऑफ पॉइंट लोकस क्या होता था द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट ठीक है तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोनिक एक ऐसे पॉइंट का लोकस है विच मूव्स In in a plane, in such a plane, such way that ratio of its distance from a fixed point, okay, to a fixed straight line is always constant. क्या बोला है कोनिक इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट रेशो ऑफ इट्स डिस्टेंस ठीक है हम क्या ले रहे हैं रेशो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट to a fixed line is always constant so guys if this is your point variable point p let it be h comma k okay so what will say that this point will be this point will be a conic if ratio of its distance from a fixed point to a straight fixed straight line that is ps upon pm

पैराबोला हाइपरबोला तीनों के लिए ट्रू है सर तो फिर डिफरेंस कैसा होगा वो डिफरेंस बेटा इस कांस्टेंट की टर्म्स में होता है ओके द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट यू नो देयर इज सर्टेन वैल्यूज फॉर व्हिच इट विल रिप्रेजेंट हाइपरबोला फॉर व्हिच इट इज रिप्रेजेंट एलिप्स एंड सम वैल्यूज फॉर व्हिच इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला ओके बट अभी के लिए हमें याद रखना है कि हां कोनिक के डेफिनेशन क्या है सर पीएस अपॉन पीएम इट शुड बी कांस्टेंट पीएस अपॉन पीएम क्या होना चाहिए बेटा कांस्टेंट होना चाहिए ओके

टू स्पेशल नेम्स तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं दिस फिक्स दी फोकस ऑफ द कोनिक एंड दिस फिक्स लाइन दिस फिक्स लाइन बिडाइट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक इसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं सो यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज इन द न्यूमरेटर आई विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस divided by the distance from the line and for every conic this is a constant which is called as the eccentricity e ठीक है तो ये हमारा conic section का डेफिनेशन है गाइस चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर आप सोचोगे सर अभी तक तो हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अरे बहुत इजी क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ conic section हुज फोकस दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट इज -3, 2 एंड डायरेक्ट्रिक्सिटी अरे हम क्या बोलेंगे अच्छा ये एक लाइन है बेटा हमारी जिसका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरोस माइनस थ्री कॉमर टू है ना ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया फोकस

और यहां कितना एच प्लस के माइनस फोर होल बेसिकली व्हाट यू कैन डू यू कैन ओपन लेटमी राइट इट ओवर इट विल बी एच स्क्वा स्क्वायर प्लस सिक्स एच माइनस फोर के एंड नाइन प्लस फोर दैटीन एंड ऑब्वियसली टू यू कैन क्रॉस इक्वल्स टू H plus K minus 4 so guys that will be a square plus B square plus C square plus 2 a B plus 2 BC that will be minus 8 K and plus 2 AC that will be minus 8 H now you can just you know take the all the terms on the LHS side and you can, you can clearly see it's a equation in H and K only so 2 H square minus H square will be H square 2 K square minus K square will be K square 12 H and minus 8. So 12 plus 8 is 20h minus 8k and plus 8k that will be 0. So this will be gone. 13 twos are 26 minus 16 that will be plus 10 equals to 0. So this is what we are getting as our equation. Alright. And now finally, if I put h in terms of h uh, as x and k as y, I will get the equation of conic which will be x square plus y square plus 20x plus 10 equal to 0. This is the equation of the conic guys, okay? So very simply what we are using, we are just using the definition of our conic that is PS upon PM is always a constant, which is eccentricity. It is given to us as one, and then we are just finding the locus, which is coming equal to x square plus y square plus 20x plus 10 equal to zero. ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशो PS upon PM, if the ratio is always constant, then it is a conic. All right? Now अभी कोनिक बहुत सारे हो सकते हैं हो सकता है एलिप्स हो सकता है हो सकता है कंडीशन हम समझेंगे बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है बट अंडरस्टैंड ओके और वो वन थिंग क्या है conic ठीक है अगर मुझे कोनिक की जनरल इक्वेशन फाइंड करनी है जो हमने किया so what you will get, you will get

हाउ वी विल यू नो डिस्टिंग बिटवीन द कॉनिक जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि पैराबुल्स कब होगा तो वो डिस्कस करते हैं तो गाइज उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी हैव डिस्कस्ड इन स्ट्रेट लाइन ऑल्सो सो वी कैलकुलेट अ डिटर्मिनेंट ओवर योर राइट डी दैट वॉज समथिंग लाइक दिस ना ए बी सी एच एच देन यू हैव जी जी एंड यू हैव एफ एफ राइट right. so, यहां पर हम क्या करते हैं इस टाइप का एक डिटर्मिनेंट बेटा ऑप्टेन करते हैं राइट बेसिकली वॉट वी डू वी ऑप्टेन अ डिटर्मिनेंट समथिंग लाइक दिस एंड दिस विल ओनली लाइक दिस विल ओनली गिव अस द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग राइट यही तो आपकी वैल्यू गिवन है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा एबीसी 2 एफ जी एच ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर एंड सी एच स्क्वायर ओके सो गाइस बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ओनली वी डिस्टिंग्विश व्हिच काइंड ऑफ conic वी आर गेटिंग ऑलराइट सो लेट्स सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन सो व्हाट वी आर सीइंग दिस इज अ जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन Alright, now we are trying to obtain in which case it will represent which type of conic. Okay, so this is your D which you can remember the discriminant as well. Okay, either you can remember the formula directly. Okay, ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square, or you can remember this thing. Alright, that is ABC FF. So here, guys, the first case is. वेन द फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स अभी तक हमने क्या देखा कि वेरिएबल पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो अगर कॉन्स्टेंट है तो वो एक कोनिक सेक्शन होता है बट लेकिन अगर मैंने मान लिया बेटा कि मेरा फोकस जो है हाँ वो डायरेक्ट्रिक्स पर ही अगर लाई कर जाए तो, तो फिर क्या होगा लेट सपोज दिस इज योर वेरिएबल पॉइंट इफ यू से दिस इज योर पी एस एंड लेट सपोज दिस इज योर पी एम ट right, so अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि पी एस अपॉन पी एम का जो रेशो है दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट एंड इट मूव इन सच अ वे दैट पी एस अपॉन पी एम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट सो गाइज देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इज लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रेक्स देन

इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेरिएबल पॉइंट है इट्स लोकस विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है वो क्या आएगा आएगा, बेटा ऑफ स्ट्रेट एंड वॉट विल बी द नेचर ऑफ दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सो इफ द रेशो इसटी इज ग्रेटर अपॉन पी एम इफ इट विल बी ग्रेटर देन वन देन यू विल बी है इंटरसेक्टिंग एट एस आपको क्या मिलेंगी दो रियल और डिस्टिंक्ट लाइन्स मिलेंगी जहां जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा एस फोकस पे ही होने वाला है और राइट समथिंग लाइक राइट सो ह्यूर लाइक एवरी टाइम पी एस अपॉन पी एम विल बी इन अ फिक्सड रेश कैन क्लियरली सी सिमिलर ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी विल बी फॉलोड एंड दीज विल बी योर टू पेयर ऑफ स्टेट लाइन्स विच यू विल है इंटरसेक्टिंग एट एस ठीक है स इज इफ इ बिकम्स इक्वल टू वन अगर इसी इक्वल है दैट मीन द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन एंड फ्रॉम दो इन दिस केस वॉटन द लाइन्स विल बी को इंसिडेंट ठीक है यहां पर दो लाइन्स नहीं मिलेंगी वो दोनों एक ही लाइन बन जाएगी इट विल को इनसाइड ओके सो इन दिस केस यू विल से अपॉन बेसिकली पी एम विल बी Always, always, and always equal. So it will be something like this. It will be perpendicular by sector, you can say, like if this is your focus, all right. Light will be a constant, okay. Something like this, you can say you will have only have one line over here, okay. And if eccentricity is less than one, then in this case, lines will be imaginary, okay. Less than one, that means PS less than e Pm. Now the distance of the point is less than the distance from the line, so there can be no line. ओके बिकॉज द पॉइंट इट द लाइन तो ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता ना जिसका फोकस से डिस्टेंस कम हो और लाइन से डिस्टेंस ज्यादा ओके सो बेसिकली देर विल बी नो सच लाइन सो दीज थ्री कंडीशन गाइज वॉट एवर इज रिटर्न ओवर हियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग इज इफ यूर डिस्क्रिमिनेंट डी इफ इट बिकम्स जीरो इट विल बिकम जीरो इन विच केस वेन फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट ओके okay, फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स पे ही आ गया तो हमारा डी जीरो डी जीरो होता है तो हमें पता है वैल्यू ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पेयर ऑफ स्टेट लाइन है तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी बिल्कुल रियल आपको डिस्टिंग टू वन है तो सिर्फ एक लाइन होगी बिकॉज लाइन को इंसिडेंट बेसिकली एंड इफ इट्रिसिटी इज लेस देन वन देर विल बी नो सच लाइन ठीक है ऐसी कोई भी बेटा लाइन नहीं होने वाली है ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट केस विच विच यू हैव टू रिमेंबर इफ द फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स देन वी विल गेट पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू के विल गिव यू इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओके एंड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ई यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट केसेस नाउ केस टू अगर फोकस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है फोकस इज नॉट लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स

एक पैराबोला मिलेगा एंड गाइज फ्रॉम द कंडीशन फॉर चेकिंगनिक डी शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो पैराबोलाइपरबोला के लिए डी नॉन जीरो होना चाहिए उसके बाद एच स्क्वाकवल टू ए बी हुआ तो पैराबोला इक्वल टू वन

e less than 1 so you will be having imaginary line but if focus does not lie on your directrix then what will happen d will be non zero for parabola eccentricity will be 1 for ellipse eccentricity will be less than 1 obviously it will be greater than 0 because it is ratio of distances only and for hyperbola eccentricity will be greater than 1